आज पहले बार मैंने ट्रक स्टार्ट किया है, माय गॉड। सो गाइस, दीज आर सम वेल्ड शॉप, पेंट शॉप, असेंबली शॉप इनसाइड द टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। और मैं आया हूँ ऑल द वे फ्रॉम असम, तो यहाँ से शुरू होता है पूरा ट्रकों के लाइन। And thank you Tata Motors for inviting me on this great event of launching of BS6 Phase 2 commercial vehicles. So guys, a lot of guys must be tech enthusiasts and auto enthusiasts like I am. So today I am here at Tata Motors. आजकल के ज़माने ही ऐसा है कि हम लोग को जानना चाहिए हमारा देश का Tata Motors कितना तरक्की कर रहा है। तो आज मैं हूँ Tata Motors का टेल्को क्लब में और बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं इंडिया के डिफरेंट जगह से आज दिखाएंगे आप लोग को। तो लेट्स से तो गाइस, अभी यहाँ पर BS6 Phase 2 ट्रक्स का लॉन्चिंग हो रहा है और आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन जो ट्रैकिंग का प्रेजेंटेशन चल रहा है। और आप एक बार देखिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आप लोग को ट्रैकिंग के बारे में टाटा के देश के ट्रक। और इधर है प्रांजल भैया, प्रांजल है ऑल इन एंटरटेनमेंट, और उपार्जन दादा। We are very, very excited to be associated with influencers like you. I would like all of you to see a campaign film. So, ये हम plant में हमारे जो customers हैं, जैसा मैं बताया है। अभी टाटा मोटर्स के ऑफिशियल्स बहुत ही अच्छे तरह से अपने ट्रकों के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 50 गाड़ी बनाते हैं हम, और अलग अलग कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। वेलकम टू आवर प्रोडक्शन वाट अंडर कनेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग। So friends, this event is going to undercover Tata Motors strategy in ensuring that the RD compliance is not only met but also taken care in the way that adds more value to the everyone who purchases Tata Motors commercial vehicles. Ahead of us lies an exciting and informative event with tons of really cool things that Tata Motors has doing with the commercial vehicles for a more sustainable and technologically advanced tomorrow. आज को बनाते रहना बेहतर और बेहतर। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स देश के ट्रक्स उससे ज्यादा कर दिखाने की, इसीलिए हम चुनते हैं बिना रुके लगातार आगे बढ़ते जाने की राह। आपका खर्चा जो है वो है ₹2.84। अभी BS6 फेज 1 में वो जो बाग है ना, वहां बत्तर ने आम तो खाए करते थे। आम तो कई प्रकार के होते हैं, दशहरी, चौसा, मालदा। उमर घर मेरे घर बोलते कौन सा? अरे यार सफेद वाला, सफेद है सब में है वो। कौन सा वो यार, कौन सा नाम आप सभी लोगों ने सुना है, LPT रेंज जिसको मॉडर्नाइज किया गया है, जिसको अपग्रेड किया गया है। अल्ट्रा का रेंज इज ऑलरेडी वेरी फेमस, देखिए इसमें आपको कितने सारे वेरिएंट्स हैं, कितने सारे मॉडल्स हैं, और साथ में अल्ट्रा स्लीपर भी है ताकि लॉन्ग रेंज। और LPT में भी स्लीपर है। आपके दो इंजन के ऑप्शन है, 5 लीटर टाटा इंजन एज वेल एज 5.6 लीटर कमिंस। आपको ये भी दिखेगा कि ओडोमीटर कितना चल गया है,
माइलेज क्या है, किस मोड में गाड़ी चल रही है, कितने घंटे चल चुकी है, कितना डिस्टेंस, आप देखेंगे तो ये आगे बढ़ता जा रहा है। कहीं भी अगर देखना है कि ये 80 क्रॉस किया है तो ये भी आपको पता चल जाएगा, जो कि 80 नहीं होगा, 80 के पास होगा। लोकेशन शेयरिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया, कार्गो, टिप्पर एंड ट्रैक्टर्स, आपको मालूम है पूरा रेंज। आप लोग तो हमारे लिए बहुत सपोर्टर्स हैं, नया गाड़ी प्रूव करते हैं, दैट इज आवर अप्रोच। वंस अगेन थैंक्स। छोटा सा 200-300 किलोमीटर डीप में चलाता है, उनको उतना बड़ा इंजन जरूरत नहीं है, सस्ता गाड़ी चाहिए उनको, लो कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं हम लोग, वो वैसा के लिए हम लोग 5.6 देते हैं। एंड हायर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए मेरे लिए, वो हमारे पास तीसरा इंजन है, टर्बोट्रॉन 2.0 ऐसा बोलता है। मल्टी मोड फ्यूल इकोनॉमी स्विच, लो रोड कंडीशन को देखते हुए इसके जरिए आपको मिलते हैं ड्राइविंग के 3 मोड, लाइट, मीडियम और हैवी। अब अगर लोड कम हो और रास्ता अच्छा हो तो चलिए लाइट मोड पर, और अगर लोड ज्यादा हो और रास्ता सही हो तो चलिए मीडियम मोड पर। लेकिन कहीं रास्ता खराब हो और लोड भी ज्यादा हो तो अप्लाई कीजिए हैवी मोड। अब आपके पास ये सुविधा है कि आप रास्ते के हिसाब से अपना फ्यूल इकोनॉमी मोड अपनाएं, मतलब आप कम कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, बेटर कनेक्टिविटी, फ्यूल एफिशिएंसी के साथ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मिल पाए आपको हर महीने अधिक प्रॉफिट का अवसर। टाटा मोटर्स की BS6 फेस 2 कमर्शियल व्हीकल्स के साथ अब बिजनेस होगा और भी प्रॉफिटेबल। कस्टमर को सामने बैठ के कस्टमर को फोन करने के लिए बोला, ड्राइवर के लिए 5-6 ड्राइवर को आप करिए कन्फर्म करने के लिए, इसलिए हम लोग ये कस्टमर से कन्फर्मेशन लिया, ड्राइवर से बात करने के लिए बोला, कस्टमर से हम लोग रिकॉर्ड किया वीडियो को, और हर ड्राइवर बोला है हमारे लिए सर इतना हमारे लिए आसान हो गया, टार्क बेनिफिट हुआ, इससे मेरे लिए फ्यूल सेव होता है। फ्यूचर से इक्विप्ड है जो बनाते हैं व्हीकल्स को और भी ज्यादा सेफ। ऐसा ही एक फीचर है हिल स्टार्ट असिस्ट, चढ़ाई पर स्थिर व्हीकल को स्टार्ट करते समय व्हीकल के पीछे सरकने की संभावना होती है, इससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए टाटा मोटर्स की BS6 फेस 2 व्हीकल्स हिल स्टार्ट असिस्ट से इक्विप्ड है। डैशबोर्ड पर दिए हिल स्टार्ट असिस्ट स्विच को एक्टिवेट करने से रोल बैक प्रिवेंशन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। ड्राइवर द्वारा चढ़ाई पर ब्रेक लगाकर व्हीकल को रोकने के बाद ब्रेक पेडल डिसएंगेज करने पर भी 3 सेकंड तक एक निश्चित प्रेशर के साथ ब्रेक एक्टिवेटेड रहता है। और अगर दोबारा नींद आई तो ये पागल क्या? पर कुछ भी हो जाए ड्राइवर साहब को नींद नहीं। टाटा ट्रक्स लाए हैं ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्राइवर की जरा सी भी आंख लगने पर अलार्म बजकर उसे जगा देता है ताकि आपका ट्रक हमेशा सेफ रहे। अब सेफ्टी होगी और भी ज्यादा। ड्राइवर साहब गर्मी और सर्दी में तो परेशान हो जाते होंगे, दिन भर हाथ तकलीफ होती होगी ना, हम कुछ ज्यादा विचार कर। अभी तो आए थे, ट्रक चलेगा तभी तो बिजनेस चलेगा ना। सर जी आप दिन भर ट्रक चलाते हो फिर भी नहीं थकते हो, हम बैठे बैठे कैसे थक जाते हैं? इस ट्रक की ना एक खासियत है, इसको चलाने वाला नहीं थकता है, इस पर बैठ कर जो मुंह चलाता है ना वो थक जाता है। टाटा ट्रक्स लाए हैं कैबिन कंफर्ट फीचर्स, जब ड्राइवर को मिलेगा कंफर्ट तो ट्रक तो लंबा चलेगा ही, अब ड्राइवर प्रोडक्टिविटी होगी और भी ज्यादा। मेरे से पहले पहुंचना चाहिए, हो जाएगा सर। गाजर का हलवा रास्ते में खा लेना, हो जाएगा सर। आपकी ही तरह हमें भी ड्राइवर कंफर्ट का पूरा ख्याल है, इसलिए टाटा ट्रक्स लाए हैं AC कैबिन्स, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, मैकेनिकली सस्पेंडेड सीट्स और स्लीपर बर्थ्स। आपकी शान है इसलिए टाटा ट्रक्स लाए हैं संपूर्ण सेवा, आपके ट्रक्स के मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन और जेन्युइन पार्ट्स की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अब बिजनेस होगा टेंशन फ्री, बेहतर और बेहतर, जिससे पर्यावरण रहे हरा भरा, महसूस हो और भी सुरक्षित, और ऐसे कल को बनाने का। कंपनियों ने तो नॉर्मल रेट किया है, टाटा मोटर्स ने कुछ खास रेट दिखाया है BS6 फेस 2 पर, कोई खास वजह? मैंने देखा है प्रेजेंटेशन में, कौन सा भी रेगुलेशन आता है उसके लिए जो टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ता है उसके लिए थोड़ा खर्चा बढ़ता है।
फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए होगा, हायर टॉर्क चाहिए होगा, हायर हॉर्स पावर चाहिए। आशीष टंडन जी ने बताया, राजेश खन्ना बताया, रवि बताया, मुनाफा के लिए क्या क्या चाहिए। बट वी हैव सर्टेन प्लान्स फॉर आवर ब्रांड, वी हैव सर्टेन वैल्यू फॉर आवर कस्टमर्स, वी वैल्यू अवर कस्टमर्स, सो वी विल कीप ऑन डूइंग व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। एटी के लिए टाटा मतलब आपको पता है ट्रस्ट, ये प्रॉफिट द यूएसपी जो कि टाटा मोटर्स को स्टैंड आउट करता है कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, और व्हाट इज योर प्लान अहेड। ILMCV इंटरमीडिएट लाइट एंड मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स कैलकुलेट करके बताता है। आप अपनी गाड़ी उस ड्राइवर स्कोर कार्ड में सिलेक्ट करके उन पर्टिकुलर डेज पे जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ड्राइवर का ड्राइविंग स्किल कैसा था, उसका सेफ्टी कैसा था और उसका कंप्लायंस कैसा था। कंप्लायंस मतलब जो हम बोल रहे हैं वो उस हिसाब से फॉलो कर रहा था कि नहीं। अब सेंस होते रहते हैं, जैसे आप सीट्स आ गया, ऐसे अलग अलग पोर्शन आते रहते हैं, अलग अलग फेस आते रहते हैं। प्रॉब्लम नहीं होगा ये सब सोच समझ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमिशन रेगुलेशन लेके आता है। जैसे हम लोग BS4 से BS ली है, पर क्या होता है कि ड्राइवर, आप ड्राइवर मॉनिटरिंग कर रहे हो, गाड़ी मॉनिटरिंग कर रहे हो उसी सेफ्टी बारे, पर देखो मेरा जो ड्राइवर है वो तीसरे गियर में गाड़ी उठा रहा है टिप्पर, उसको गाड़ी चलाने में और मजा आएगा बट विद सेफ्टी। सो गाइस अभी हम लोग को टाटा मोटर्स की तरफ से मिला एक छोटा सा गिफ्ट, और ये देखिए क्या है, पावर बैंक। ओ दिस इज अ ग्रेट मैन। अभी हम लोग जा रहे हैं किधर, प्लान पे ना, टाटा फैक्ट्री में देखिए एक से बढ़कर एक ट्रक है, तो यहाँ से उधर तक छोटे से एकदम बड़े तक सब कुछ ट्रक मिलेगा। इधर आज एग्जीबिशन है इस ट्रक शो का, तो हम लोग सब क्रिएटर्स मिलके इस सब ट्रक का एक एक का क्लिप लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का बहुत सारा गाड़ी है, और ये देखिए स्कूल बस के तरफ स्कूल बस भी है, और वो छोटा हाथी भी है, 14 हुलर ट्रक है, और ये चेसी देखिए, और ये सब ट्रक नया BS6 2 इमिशन वेरियंट का है, BS6 2 वेरियंट का है। और ये देखिए आप लोग इंजन इसका किधर रहता है, तो गाइस आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं सिग्मा। ये इस ट्रक का नाम है सिग्मा, तो मुझे पहले पता नहीं था ट्रक का भी इतना वेरिएंट होता है। आज मैं आपको एक बार दिखाऊंगा ट्रक कैसे चलाता है। ओके माय गॉड, तो गाइस मैं आज पहले बार लाइफ में ट्रक स्टार्ट करूंगा। ओ ट्रक का सीट थोड़ा ये एयर सस्पेंशन जैसा है, तो देखते हैं। पहले बार मैंने ट्रक चालू किया है, माय गॉड। एंड दिस इज BS6 2 नॉर्म्स, आप लोग देख सकते हैं ये, और इसका इंटीरियर देखिए आप लोग, बहुत सारा फीचर्स है। वो जब लास्ट सीजन में दिखाया था लाइट व्हीकल मीडियम, जब लोडेड है थोड़ा तो मीडियम में चला सकते हैं, और जब थोड़ा इंक्लाइन हो तब हैवी में चला सकते हैं। और ये मोड अभी हैवी में है, और इसका एवरेज दिखा रहा है 1.9 KMPL, तो स्पीड भी बहुत है, माय गॉड। दिस वन इज 3530.T का प्राइमा LX, यू कैन सी द लुक्स, मतलब ये ट्रक 35 टन तक कैरी कर सकते हैं और 300 हॉर्स पावर का है, और प्राइमा का ये ट्रक टोटल 12 टायर्स का है। एंड यू कैन चेक दिस कंसोल और स्कूल बस, दिस वन इज स्कूल बस, और ये है टाटा का मार्को पोलो सीरीज का स्टार बस, और दिस इज ए स्कूल बस, और ये वाला आप देखिए पूरा येलो कलर्स में है, बहुत लंबा है ये बस, स्कूल के लिए वन ऑफ द परफेक्ट बस। और BS6 2, दिस वन इज लाइक 4830.T के, और ये ट्रक टोटल 48,000 किलोस तक कैरी कर सकते हैं, और इसका लंबाई देखिए बहुत ज्यादा लंबा है। ये ट्रेलर वगैरह में भी ये वाला ट्रक भी यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 चका, टोटल 16 चका का है टोटल। और इसका चेसी देखिए कितना लंबा है, ये बहुत लंबा वाला ट्रक है। सबसे छोटा है, इसका नाम है इंट्रा पिकअप, और इसका इंटीरियर देखिए आप, और इंटीरियर में नए वाले में बहुत सारे चेंजेस है। आप देखिए स्टेयरिंग वगैरह चेंज है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया,
और बहुत सारा चेंजेस है और BS6 फेस 2 फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है। कैसा लग रहा है आप लोग को? ये देखिए बहुत सुंदर कलर है इसका, और ऐसा नहीं कि एक ही कलर में है, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी मिलेगा, ये अवेलेबल है। तो टाउन के लिए या सिटीज के लिए बहुत अच्छा है। और ये है मैजिक, और मैं कॉलेज के टाइम से मैजिक से ही अप डाउन करता था, तो मैजिक के साथ मेरा रिश्ता कुछ अलग ही है। यू कैन चेक हियर, आपको BS6 फेस 2 में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएगा। इधर आप लोग इंटीरियर देखिए, इंटीरियर थोड़ा चेंज हुआ है, इधर स्टेयरिंग थोड़ा चेंज हुआ है, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया, और गियर लीवर भी थोड़ा चेंज हुआ, और फ्यूल इकोनॉमी भी बढ़ गया और एनहेंस हो गया है। E20 ये देखिए एकदम पूरा लेस इमिशन पेट्रोल, आजकल सब मैक्सिमम पेट्रोल ही कर दिया क्योंकि डीजल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा शायद। कर हेलो, अरे इफाले आसाम प्रांजल दा वीडियो कर इंट्रा पिकअप V10 एंड यू कैन चेक द इंटीरियर मैन, और ये खनो चलाइस हम रबो। ओ माय गॉड, मोबाइल गुम हो, सब मोबाइल और इसमें बहुत रिफाइनमेंट आ गया, NVS लेवल भी लो हो गया, पहले बहुत वाइब्रेशन था, अभी देखिए वाइब्रेशन भी कम है, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया, एंड यू कैन इंस्टॉल द म्यूजिक सिस्टम एंड गियर लीवर भी अच्छा ही है। चेक द मीटर, पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया, बहुत रिफाइन हो गया, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने मैजिक चलाया, मैजिक ड्राइवर लगे जो कब। एंड यू कैन चेक देयर देयर इज बोतल होल्डर्स एंड लॉट ऑफ, और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन में भी है, इंट्रा V10, V20 एंड V50। सो साथ ही इसका इंटर सेम ही है, बस ये वाइट कलर में है। कितना सारा ट्रक है, इधर से लेके उधर तक पूरा ट्रक, बस फुल। और अभी मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ मेरा ड्रीम ट्रक, और ये डंपर करीबन 35 टन तक लोड कर सकते हैं। एंड गाइज, यू कैन चेक द डिज़ाइन हियर, दिस इज लाइक लॉट ऑफ क्रोम लाइनिंग, और ऊपर देखिए एक मिरर भी है ताकि हम लोग नीचे कुछ हो तो अच्छे से ऊपर में देख सकते हैं। और एक बहुत लंबा चौड़ा ट्रक है, टोटल 15 से 16 फुट हाइट होगा इसका। और ये लाइट्स देखिए, फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प, प्राइमा, ओवरऑल लुक्स देखिए एकदम ज़बरदस्त दे रहा है। और इसका टायर साइज देखिए कितना बड़ा है, टोटल 295 साइज का टायर है, और R20, और इसका फ्यूल टैंक है 300 लीटर्स। पहाड़ों में या अप हिल्स में इसका 300 हॉर्स पावर इंजन आराम से ऊपर तक ले जाएगा। सो गाइस, अभी ये देखिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स जो बड़े बड़े कारों में देता है, लाइक हैरियर, सफारी। और ये डंपर को मैं आज चालू करूंगा, प्रांजल दा मुझे सहाय करेगा। पूरा करना है समय। ये इंटरव्यू देखो, माय गॉड, दिस इंटरव्यू इज रियली नाइस मैन। इधर म्यूजिक सिस्टम भी है, एंड यू कैन चेक दिस, इसका बहुत सारा छवि है, पता नहीं कौन सा किसका है। बस लास्ट दो बस है, ये है स्टार बस, स्टार बस को सबको मालूम है, ये BS6 फेस 2 वेरिएंट में आ गया है। आप देख सकते हैं इंटीरियर कैसा है, और ये थोड़ा आजकल कॉम्पैक्ट हो गया, और थोड़ा लाइट बनाया है, वेट लाइट वेटेड, सो दैट यू कैन गिव मोर फ्यूल एफिशिएंसी। सो बाकी देखिए, ये एक स्कूल बस है। सो गाइस, आज का वीडियो यही था, होप आप सबको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, कोशिश कमेंट बॉक्स, जल्दी जल्दी 11,000 फॉलोअर्स कर दीजिए, तब मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और थैंक यू टाटा मोटर्स फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस ग्रैंड इवेंट, एंड होप यू विल अंडरस्टैंड।